हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी मैं पोलैंड में हूँ। आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ जो हमारे लिए, जिसके पास संगई कंट्री का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा हो या नेशनल डी वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो आप कितनी कंट्री जा सकते हैं एक ही वीज़ा में? जितनी भी संगई कंट्रियां से जुड़ती हैं, ये पोलैंड, तो आप 25-26 जितना भी संगई कंट्री में आता है, 28 कंट्री आती हैं, तो आपके पास अगर स्टूडेंट वीज़ा है और वर्क वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा, मल्टीपल एंट्री, तो आप यूरोप में कोई सी भी कंट्री जा सकते हैं, 25-26 कंट्री बगैर वीज़ा के। सिर्फ आपको टिकट लेना है और चले जाना है, और इसमें 90 दिन का स्टे कर सकते हैं आप विदाउट वीज़ा एनी संगई कंट्री में, जैसे कहलाई बड़ी बड़ी कंट्रियां, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, रोमेनिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, ऐसी जो कंट्री हैं, आप 90 दिन तक एज ए टूरिस्ट, मतलब घूमने के लिए जा सकते हैं, काम अलाउ नहीं है। अगर से उधर काम करते पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा उस कंट्री से, जिस कंट्री में हो। इसीलिए, और ये आपको जुर्माना भी लग सकता है, तो इसीलिए मैं यही इसी सूचना से कि आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आप यूरोप का कोई सा भी कंट्री जा सकते हैं, 90 दिन का टूर, 90 दिन तक आप रह सकते हैं बगैर वीज़ा के, ओनली यूरोप कंट्री जो संगई कंट्री से मिली है यूरोप यूनियन में। और भी अब आप, और भी मैं वीडियो डालूँगा आपके जानकारी के लिए, ज़रूर डालूँगा। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ की देखी सुनी बातें नहीं बोल रहा। जो लोग देखते हैं यहाँ की, सुनते हैं बातें और बता देते हैं, मेरा पर्सनल, मैं एक इंडियन शेफ हूँ तो मुझे पता है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ क्या सेट होना है, और सारा काम मैंने अपने उससे किया है, किसी के उससे नहीं किया, कि एजेंट के थ्रू किए, इसके उसके, ये सब मैंने अपना उससे किया है। एनीवे, आपको और कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और हम ऐसी वीडियो आपको पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।